सीपी सिंह साहब जी, आपका एसएम न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद सर। एक बात बताइए, बहुजन समाज आज 85% 80 से 85% देश के अंदर है, ठीक है ना? और दूसरा ये है कि अगर बहुजन समाज की जो नेता हैं, अगर वो हमारी प्रधानमंत्री बनती हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य वो होगा जो अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, इस देश के अंदर बहन मायावती ने 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन कर साबित किया है कि जब जब उनकी सरकार तो इसे देश के अंदर उनके शासनकाल का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सबसे बढ़िया रहा है। गुंडे माफिया तराई में भाग जाते हैं, प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं जैसे वो शपथ लेती हैं। और उन्होंने जब विकास किया तो हर जाति हर धर्म का को ध्यान में रखते हुए इस देश की जो संविधान के अंदर लिखा है कि समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए, हर जाति और धर्म के लोगों को इस देश के अंदर सम्मान मिलना चाहिए, तो बहन जी के शासनकाल में ये सारी चीज़ संविधान के तहत बहन जी ने करके दिखाने का काम किया। चाहे उन्होंने नौकरी निकाली है तो नौकरी सभी के लिए निकाली उन्होंने। इस मैं तो देश की बात नहीं कर रहा, एशिया की बात कर रहा हूँ। जो यमुना एक्सप्रेस वे बनाया तो पूरे एशिया में उस जैसा रोल नहीं है, और आज यहाँ की देश की मिलिट्री ने भी उसे चेक किया। उन्होंने देखा कि यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाए कि हवाई जहाज़ हमारे मतलब कहीं उतारना पड़ जाए तो कौन सा सबसे जगह सुरक्षित जगह जहाँ हम अपने हवाई जहाजों को उतार सकते हैं, तो जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो यमुना एक्सप्रेस बनाया वो सबसे उनको सबसे बढ़िया जगह मिली कि इससे बढ़िया और मजबूत जगह कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो उनके काम को देश के लोगों ने उसको सराहा है और उनके काम का नज़र आता है। चाहे उन्होंने स्कूल बनाने काम किया हो गरीब लोगों के लिए, चाहे मतलब जो भी उन्होंने वहाँ पर काम किए हैं, पूरे इस देश की आज़ादी के बाद यदि किसी ने 5 लाख फ्लैट बनाकर गरीबों को देने का काम किया तो पहली मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने 5 लाख एक साल के अंदर 1 लाख टारगेट बना के उन्होंने गरीबों को मतलब ना 2 कमरे का मकान फ्री ऑफ कॉस्ट यदि देने का काम किसी मुख्यमंत्री ने किया तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। तो यदि वो प्रधानमंत्री देश की बनती है तो इस देश के अंदर जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, जो चंद लोगों ने मतलब एक अपना आधिपत्य इस देश के अंदर चला रखा है, तो वो सारा खत्म होगा। और जो भी लोग नारे लगाते हैं उन्होंने उनके पास सिर्फ नारे हैं, हमारी नेता ने कभी नारा नहीं लगाया। उन्हें को जब मौका मिला ना उन्होंने उस चीज़ को साबित करके दिखाने का काम किया। और यदि वो प्रधानमंत्री बनती है बनेंगी निश्चित, कोई रोक नहीं पाएगा, तो वो जब प्रधानमंत्री बनेंगी तो आप देखना इस देश की कायापलट वो कर देंगे। उन्होंने 5 साल के अंदर वो काम किए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं वाला, चाहे रोड बनाने का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे गवर्नमेंट में जॉब का मामला हो, यानी जो जनमानस से जुड़ी हुई चीज़ें उनको सबको उन्होंने टच करने का काम किया है। तो हर चीज़ को उन्होंने जनता को मुहैया कराने का 5 साल के छोटे से शासनकाल में मतलब ना जब उनको मौका मिला तो टाइम बाउंड प्रोग्राम बना के उन्होंने कि यदि 30 दिन में काम होना है तो 29 दिन में होगा, 31 दिन में हो सकते हैं। तो ये उनकी जो कार्यशैली है इससे पूरे देश के लोग प्रभावित हुए। और आज इसीलिए मतलब ना आज जो लोग कल तक इस पार्टी का विरोध करते थे या जो हमारी सोच के आधार पर नहीं मानते थे, चाहे वो मतलब ना आज ममता बनर्जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे देवेगौड़ा हो, चाहे चौटाला हो, चाहे उधर लालू प्रसाद यादव हो, या मतलब ना इधर अभी बहन जी ने समझौता किया जोगी इधर छत्तीसगढ़ से, तो उन लोगों ने सबकी आज एक चाहत है। यदि मोदी के बाद यदि कोई फेस देश के अंदर आज की तारीख में देश को संभालने की क्षमता रखता है तो एकमात्र नेता जिसका नाम बहन कुमारी मायावती है। तो वो उन्होंने उनकी कार्य क्षमता को देखा है, उनकी कार्यशैली को देखा है। तो आज सब लोग मतलब ना ये चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह मतलब ना एक बार बहन जी को मौका दिया जाए। तो जो लोग आज इस देश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं, जो लोग आज इस देश के अंदर मतलब झूठ के सारे जिन लोगों ने जनता को ठगने का काम किया है, तो उसकी भरपाई यदि कोई करेगा इस देश के अंदर तो एकमात्र नेता जिसका नाम बहन कुमारी मायावती है।